सभी सुंदर साथ को कोट आन कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 98 को पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग मारू धीक धीक पड़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम। जहर जिमी सो लग रही भूली आठो जाम। मेरे मन बुद्धि चित तथा इस शरीर को धिक्कार है, जिन्होंने धाम धनी को याद नहीं किया एवं संसार के विस्तुल्य विषयों में रत होकर आठों प्रहर अपने धनी को मूल वतन धनिये बताइया। जित साथ श्यामा जी श्याम, पीठ दई इन घर को, खोया अखंड आराम। धाम धनी सतगुरु ने वह मूल घर परम धाम बताया, जहाँ श्याम श्यामा जी तथा सुंदर साथ है। ऐसे अखंड घर को पीठ देकर हमने अखंड सुखों को गवा दिया। सनमंद मेरा तासो किया, जाको नेज निज नह चल नाम। अखंड सुख ऐसा दिया, सो में छोड़या विश्राम। सतगुरु ने मेरा संबंध उन अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के साथ जोड़ दिया, जिनका नाम ही अखंड है। उन्होंने तो मुझे ऐसा अखंड सुख प्रदान किया, किंतु मैंने मायावी सुखों में रत होकर उन अखंड सुखों को छोड़ दिया। खिताब दिया ऐसा खस में, इत आए इमाम। कुंजी दई हाथ भिस्त की, साखी अल्लाह कलाम। सतगुरु ने यहाँ आकर मुझे निष्कलंक बुद्ध की उपाधि प्रदान की। उन्होंने कतेब ग्रंथों की साक्षी देकर जीवों के मुक्ति स्थलों के द्वार की कुंजी मेरे हाथ सौंप दी। अखंड सुख छोड़िया अपना, जो मेरा मूल मुकाम। इसक न आया धनिय का, जाए लगी हराम। तथापि मैंने परम धाम के उन अखंड सुखों को छोड़ दिया, जो अपना मूल स्थान है। मुझे धाम धनी के प्रति प्रेम भी उत्पन्न नहीं हुआ, एवं मैं झूठे विषय सुखों की ओर लग गया। खोल खजाना धनिये सब दिया, अंग मेरे पुरान ईमान। सोए खोया मैं नींद में, करके संग शैतान। धाम धनी ने अखंड निधि का भंडार खोलकर मुझे लुटा दिया, तथापि मेरे हृदय में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। मैंने दुष्ट माया को संग माया का संग कर उस अखंड निधि को अज्ञान रूपी नींद में गवा दिया। उमर खोई अमोलक, मोह मद क्रोध ने काम। विषया विषे रस भेदिया, गल गया लोहू मास चाम। मैंने अपना अमूल्य जीवन काम क्रोध मद एवं मोह की ओर लगाकर गवा दिया। विषयों के विस्मय वरस में रस ने मेरे शरीर को इतना प्रभावित किया कि रक्त मांस चमड़ी सब गल गए। अब अंग मेरे अपंग भये, बल बुध फिरी तमाम। गए अवसर कहाँ रोइए, छूट गई वह ताम। अब मेरे सभी अंग शिथिल हो गए हैं, मेरा संपूर्ण बल एवं बुद्धि भी माया की ओर लग गई।
अवसर बीत जाने पर रोने से क्या लाभ। सतगुरु के धाम गमन के साथ साथ अब तो आत्मा का आहार भी छूट गया। पार द्वार सब खोल के कर दई मूल पहचान, संसे मेरे कोई ना रहया ऐसे धनी मेहरबान। ऐसे कृपालु सतगुरु धनी ने पार के सभी द्वार खोलकर मुझे अपने मूल की पहचान करवाई, जिसके कारण अब मेरा कोई भी संशय शेष नहीं रहा। बहुत कहया घर चलते वचन न लागे अंग, इंद्रावती हृदय कठिन भई चली न पीयू जी के संग। सतगुरु ने परमधाम जाते समय मुझे बहुत समझाया, किंतु उनका एक भी वचन मेरे हृदय में नहीं चुभा। इंद्रावती ऐसी कठोर हृदया हो गई कि वह सतगुरु के साथ परमधाम नहीं जा सकी। तब हार के धनी विचारिया क्यों छोड़ू अपनी अरधंग, फेर बैठे माहे आसन कर महामती हृदय अपंग। तब हताश होकर धनी ने विचार किया कि मैं अपनी अंगना को अकेली कैसी छोड़ दूं। पश्चात वे महामती के अपंग हृदय में विराजमान हो गए। प्रकरण 99 चौपाई 1482। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 99 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।